आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको ये बताएंगे कि मीन राशि के जातकों को साल 2019 के मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए ताकि जिंदगी में उन्हें हमेशा तरक्की होती रहे, उन्हें हमेशा तरक्की मिलती रहे, वो हमेशा खुशहाल रहे। मकर संक्रांति साल 2019 में 15 जनवरी को पड़ रहा है और दिन है मंगलवार। उस दिन का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह के 7:15 से लेकर दोपहर के 12:30 तक, और उसमें भी जो अति शुभ मुहूर्त है वो है 7:15 से लेकर सुबह 9:15 तक। एक बात मैं आपको बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के दिन जो दान दिया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना होकर दान देने वाले को वापस मिलता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि यदि आपने इस दिन दान दिया तो एक यज्ञ करने के समान। हम बात कर रहे थे मीन राशि की, तो भाई मीन राशि के जो जातक वो लोग बड़े ही भावुक होते हैं, अति भावुक होते हैं, इन्हें कोई भी आसानी से प्रभावित कर सकता है। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, आप ही इन्हें बड़े आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार मीन राशि के जो स्वामी है वो गुरु है, तो मकर संक्रांति के दिन मीन राशि के जातकों को तिल, चना, साबुदाना, कंबल और मच्छरदानी दान करना चाहिए। देखिए ये आपको अपने क्षमता के अनुसार करना है, ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ें करनी है, आप कुछ भी कीजिए अपने क्षमता के अनुसार कीजिए। आप सब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बेनिफिट डेफिनेटली होगा। क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। हल्दी, केसर, पीत पुष्प मतलब पीला पुष्प, तिल मिलाकर मतलब जल के अंदर मिलाना है और सूर्य को अर्घ देना है। सरसों और केसर इसका भी आप दान कर सकते हैं। केसर बहुत महंगा होता है तो देखिएगा, वो अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। इससे जो आपको फायदा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, आपका यश बढ़ेगा, आपको समाज में, आपको परिवार में, आपको हर जगह पे सम्मान मिलेगा, ये बेनिफिट होगा, आप दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाएंगे। देखिए सम्मान और यश तरक्की से रिलेटेड है, आप जितना ज्यादा तरक्की करेंगे उतना ही ज्यादा यश मिलेगा, उतना ही ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।